हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम कुछ क्रिटिकल कमेंट पढ़ेंगे जो कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर लोगों ने बोले हैं या अदर राइटर ने उनको संबोधित किया है, जिन लाइनों से, जिन शब्दों से। क्योंकि आपको भी पता है, अगर हम बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लेंथी राइटर जो हैं वो विलियम शेक्सपियर हैं, तो इनके वर्क के साथ साथ जो अदर चीज़ें हैं इनसे रिलेट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे टोटल राइटर जो हैं वो 17 राइटर हैं, लेकिन जो विलियम शेक्सपियर है वो उन सब में इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उनके बारे में किस राइटर ने क्या अपनी राय दी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप देख ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि हु कॉल्ड अ यूनिवर्सल पोएट टू विलियम शेक्सपियर, तो अब क्योंकि हम इतना डीपली नहीं जा पाते हैं, तो चलिए आज हम क्रिटिकल कमेंट पढ़ेंगे। ये सभी विलियम शेक्सपियर के लिए बोले गए हैं, लेकिन किसने बोले हैं ये मैंने आगे इनके नाम मेंशन कर दिए हैं। वैसे तो मैंने एकदम क्लियर लिखा है, आप सबके समझ आ रहा होगा, लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ, क्योंकि क्या पता मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अजीब सी हो। ओके, ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट, ये बोला है डब्ल्यू जे लॉन्ग ने। He breathed and dead bodies and brought them into life. ये बोला है आर डब्ल्यू एमर्सन ने। We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such a great account. ये बोला है T.S. Eliot ने। Our myriad minded Shakespeare, T.S. Eliot ने। And the next one is Sweet Swan of Avon, Ben Jonson. अच्छा, अब यहाँ से कुछ बेन जॉनसन के थे, तो मैंने थर्ड में ना इनको कम्बाइंडेड एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि अगर हम पहले बेन जॉनसन का देखें तो ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये भी बेन जॉनसन का है। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, सेम। स्मॉल लैटिन लैस ग्रीक, सेम। सोल ऑफ द एज, द एपल्यूज डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज, ये भी बेन जॉनसन ने ही बोला है। ओके, आई एडमायर हिम, बेन जॉनसन। यहाँ पे हिम जो है वो बेन जॉनसन के लिए यूज़ किया गया है, और ऊपर जितनी बार भी ही यूज़ किया गया है वो विलियम शेक्सपियर के लिए किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में बेन जॉनसन भी लिख दिया है। आई एडमायर बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, ये बोला है जॉन ड्राइडन ने। अदर ब्राइट आर क्वेश्चन थियो आर्ट फी, मैथ्यू अर्लॉर्ड ने। अ टाइगर हर्ट व्रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, रॉबर्ट ग्रीक ने। अपस्टेयर क्रो ब्यूटीफुल विद अ फर्दर, रॉबर्ट ग्रीन ने। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, जॉन मिल्टन। और नेक्स्ट वाला भी जॉन मिल्टन ने ही बोला है, आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, जॉन मिल्टन ने। अच्छा, आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, इसके साथ ना ग्रेट हायर ऑफ फेम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, इसमें भी जॉन मिल्टन आएगा। आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, ग्रेट हायर ऑफ फेम, अब आप सोचेंगे कि आधी लाइन तो डियर सन वाली है और आधी स्वीटेस्ट शेक्सपियर की है, तो ये दोनों ही सेम माने जाएंगे। सेम दैट मीन्स इज द ग्रेट हायर ऑफ फेम दोनों में ही आ सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग लाइन है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों ही जॉन मिल्टन के द्वारा बोला गया है। इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, वी शुड रीड शेक्सपियर, ये बोला है विलियम हैजलिट ने। एंड द लास्ट वन इज थ्री शेक्सपियर ऑन हुज फॉरहेड क्लेम द क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, ये बोला है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्रिटिकल कमेंट हमने करे हैं, अभी पूरे नहीं हुए हैं, और मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको वही बताए हैं जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेट करते हैं और जो आ चुके हैं। ठीक है, तो लगभग हाफ हम कर चुके हैं, हाफ बचे हुए हैं, तो वो हम उसकी वीडियो में बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।